2018 में नेटफ्लिक्स पे एक मूवी रिलीज़ होती है, उसका नाम है चिप्पा। आप पता नहीं कितने लोगों ने इसके बारे में सुना जाना, और ऐसा सुना भी होता तो कुछ खास फ़र्क नहीं है, क्योंकि हम लोग किसी भी चीज़ पे उतनी जल्दी प्रतिक्रिया करते नहीं हैं, और शायद उस वक्त हुई भी नहीं होगी, इसलिए बात यहाँ तक पहुँच गई कि अब मैं कर रहा हूँ प्रतिक्रिया। जितने लोग मुझसे एग्री करते हैं, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करके अपना सहमति जता दें, और कमेंट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बता दें। मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने लोगों को इससे पहले नहीं पता था, और अगर पता भी था तो आपने इसके अगेंस्ट क्या आवाज़ उठाई, क्योंकि शायद नहीं उठी, और अगर उठी तो शायद उसमें उतना दम नहीं था। तो अगर आप मेरे शब्दों से सहमत हैं और आपके विचार मैं अपनी वीडियो में रख पा रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा। अब शुरू करते हैं। इस मूवी का एक हिस्सा मुझे फेसबुक मिला। यहाँ मैं एक बात ओपनली क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ये मैंने अपने मन से ये मूवी आज तक नहीं देखी। शायद देखी होती तो मैं इससे पहले ही वीडियो बना चुका होता। और ये जो हिस्सा है मुझे फेसबुक मिला, तो मैंने सोचा इस पर बात करनी ज़रूरी है, एटलीस्ट जनता के बीच में ये बात होनी चाहिए, अगर कोई नहीं उठा रहा है तो, और अगर उठा रहा है तो शायद दब गई, तो फिर से जिंदा करते हैं ताकि ये चीज़ रिपीट ना हो फर्दर। मेरा कोई ये मकसद नहीं कि हिंदू मुस्लिम लड़ाई लगवा दूँ, ठीक है, लेकिन थिंग इज़ कि आप जायज़ चीज़ों पे भी चुप रहते हैं, और इससे ज़्यादा जायज़ ओपनली कुछ है नहीं। आपको मैं वो क्लिप दिखा देता हूँ, और मैं चाहता हूँ आप ये क्लिप पूरी देखें एटलीस्ट, वरना आपको मुद्दा बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। अगर आप यहाँ तक आ गए तो पूरी देखिएगा। एक ख्वाब जो है असल में एक कहानी थी। कैसी कहानी? सुनोगे? थोड़ी लंबी कहानी है मेरी। अच्छा, हमको काय का जन्म दिया, बोलो। अच्छा ठीक, तो ये कहानी है मरहूमा शौकत जहान की। अल्लाह उनको जन्नत बख्शे। हमारी दादी की अम्मा थी, यानी कि हमारी परदादी अम्मा, वो मुर्शिदाबाद में रहती थी, वहां का पूरा इलाका उनको जानता था। अच्छा? तो हुआ ऐसा कि हमारी जो परदादी अम्मा है ना, उनको बचपन से घुड़सवारी और लड़कों के साथ खेलना, इसका बड़ा शौक था। और कहते हैं कि जो नारियल होता है ना, नारियल को तो ऐसे लेके बुक्का मार के फोड़ देते थे, समझे? एक बार का वाकिया है कि वो नारियल लेकर आ रही थी, अचानक उनके सामने एक हनुमान आ गया। हनुमान समझते हैं ना? तो हनुमान ने उनके हाथ से नारियल ले लिया और जाके एक तरफ खड़े होकर हंसने लगा। दादी अम्मा ने अपने हाथ के आस्तीन को मोड़ा, ऐसे उसके पास गई और जोर से एक चमटादार रस्सी और उसके हाथ से नारियल ले ली। हनुमान जो है वो अपना सर झुकाया, दुम दबाए हुए भाग आए। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है और राइटर कौन है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि उस पल तक जब एक्टर परफॉर्म कर रहा है, जब प्रोड्यूसर पैसा लगा रहा है, जब मूवी को 10 बार जज किया जा रहा है देख के कि क्या सीन कैसा है, आपने किसी पॉइंट पे कट नहीं मार दिया कि वो सीन हट जाए, बल्कि उसको रहने दिया। क्यों? किसको हर्ट करने के लिए? क्या दिखाने के लिए कि हम जस्ट बिकॉज किसी OTT प्लेटफॉर्म पे हैं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन लागू नहीं होता, हम किसी को भी हर्ट कर सकते हैं? तब फिर इस्लाम, मुसलमान, अल्लाह, इन सब के ऊपर भी कुछ ना कुछ बनना चाहिए, और ओपन हो के इनको भी चैलेंज करिए ना। किसी की औकात है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, किसी की औकात है कि ये कह दे कि मोहम्मद साहब को एक कंटाप खींच के मार दिया, ठीक? कोई किसी स्टोरी में कोई किसी को ऐसे बिल्कुल बिल्कुल सेम यही सीक्वेंस रख लेते हैं। एक बच्चा बात कर रहा है, एक बुज़ुर्ग आदमी समझा रहा है बच्चे को, और कह दे कि मोहम्मद आ रहा था, उसको खींच के कंटाप मार दिया, ठीक? सीधा सीधा इस वीडियो में हनुमान बोला है, एक बंदर वानर कुछ ऐसा नहीं बोला, हनुमान बोला है। अब दूसरी चीज़ ऐड करना ही है तो बहुत चीज़ें ऐड करो कि अल्लाह को खींच के थप्पड़ मार दिया, किसी में इतनी औकात है कि कर दे, जो कर दे, जिसके में इतनी तथा है कि ऐसी वेब सीरीज़ मूवी कुछ बनाए, कोई बॉलीवुड का सेकुलर डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर, करके दिखा दे, बस बस करके दिखा दे, मैं ये वीडियो हटा दूँगा कि अल्लाह को थप्पड़ मार दिया। कर सकता है कोई? मैं अपने रिलीजन के साथ जो बोलना चाहूँगा बोलूँगा, ये मेरी मर्ज़ी है, मेरे लोग मुझसे पूछेंगे, ठीक? मैं आपको हर्ट नहीं कर सकता, ठीक?
इतना है। ठीक उसी तरीके से अगर आपका डायरेक्टर मुसलमान, राइटर मुसलमान, सेम एक ही आदमी है, तो वो इस्लाम के बारे में कुछ भी बताता, उसको जलील करो, डिमीन करो, अल्लाह को थप्पड़ मरवाओ, मोहम्मद को थप्पड़ मरवाओ, हनुमान जी पे बात क्यों आई, मुझे कोई इतना जवाब दे दे। किसी को लगेगा कि फिर मैंने एक हिंदू मुस्लिम मुद्दा उठा दिया। भाई वो सुन के ना, कोई यहाँ फेरी टेल या भजन गाने नहीं बैठेगा वो सुनने के बाद, मुद्दा है तो उठेगा। और किसी को आपत्ति है कि भाई मैं ऐसे मुद्दे उठाता हूँ, अनसब्सक्राइब करके चले जाओ, मैं पहली बार ही बोल रहा हूँ। इस वीडियो को देख के बहुत लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे, और जो डिसएग्री करेंगे और उन्होंने गलती से सब्सक्राइब कर लिया तो निकलने पहली फुर्सत में, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो मूवी या वेब सीरीज जो भी है वो, अगर वो एग्जिस्ट करती है नेटफ्लिक्स पे, उसमें से ये सीन हटना चाहिए, डायरेक्टर राइटर को माफ़ी मांगनी चाहिए, और प्रोड्यूसर को भी, या तो पूरी मूवी हट जानी चाहिए। इतनी सी डिमांड है, अगर कोई कुछ नहीं कर सकता तो सीधा सीधा FIR हो जाए और साहब जेल जाएं 295A के तहत। खैर, अगर आपको लगा हो कि मैंने वैलिड पॉइंट्स रखे हैं, वीडियो को शेयर करिएगा। हम ये अलाउ नहीं कर सकते कि कोई भी कहीं से भी आएगा और एक कहानी सुनाएगा, उसमें हनुमान को थप्पड़ मार देगा। समझ में आ रहा है, किसी की औकात नहीं है मेरे भाई, किसी की औकात नहीं। हनुमान को चलता फिरता बंदर का बच्चा नहीं है, समझ में आ रहा है। आजकल तो आदमी जानवरों के लिए भी इतना सीरियस हो रहा है, तो हनुमान, समझ में आ रहा है। आपको हक नहीं दिया गया है, वरना कहिए कल से मैं भी रोज़ अल्लाह और मोहम्मद साहब को थप्पड़ मारता रहूं। मुझे पता, एक वीडियो ऐसी नहीं निकलेगी कि आपका FIR हो जाएगा मेरे ऊपर, या कल को चार लोग तलवार लेके आ जाएंगे मेरे ऊपर। अगर वो सह नहीं सकते हो तो इसके खिलाफ किसी भी एक मुसलमान ने क्या एक्शन लिया, जबकि राइटर और डायरेक्टर मुसलमान ही है। सेकुलर थे तो तुमने इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? तुमको क्यों नहीं बुरा लगा कि हिंदू भाइयों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं? कोई मुसलमान जवाब दे मुझे, बजाय ये कहने के कि मैं हिंदू मुस्लिम करता रहता हूँ। खैर, देखते हैं इस पर क्या रिएक्शन आता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।